रमना तिरहागिर लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनके बच्चे अगर कहीं स्कॉर्पियो की चाबी पाए हों तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी शॉप पर आ जाकर आकर दे जाएं। जिसे कल ये गाड़ी जा नहीं पाई थी, बंदे को यहीं रात में सोना पड़ गया था, तो ये स्कॉर्पियो की चाबी है जो मैडम सरकारी स्कूल से आती हैं, तो उनकी चाबी गुम हो गई थी। इसके लिए थोड़ा हमको लाइव स्ट्रीम भी करना पड़ा कि जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि हमारे इधर एरिया के पास के लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो अगर पहुँच रही तो चाबी देने का आग्रह उनसे ज़रूर करते हैं कि चाबी एक बार अगर किसी के बच्चे के पास है तो चाबी जरूर दे जाएं, क्योंकि स्कॉर्पियो यहीं है, नहीं तो उसको रायबरेली ले जाकर उसकी चाबी बनवाने पड़ेगी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इन लोगों को। तो इससे सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अगर चाबी के बारे में कोई किसी को जानकारी है या किसी के बच्चे गलती से उठा ले गए, कहीं पर रखी थी या कहीं पा गए, रास्ते में पा गए, कहीं पर पा गए हैं, तो चाबी देने का रिक्वेस्ट है कि हमारी शॉप पर दे जाएँ, जिससे जो लोग हमें यहाँ के पास के लोग हैं जो हमें जानते हैं अच्छी तरीके से हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाबी आकर हमारी शॉप पर दे जाएं, जिससे मैडम अपनी स्कॉर्पियो ले जा सकती हैं। नहीं तो उनकी हो सकता समस्या समाधान का समाधान है जो शाम को शायद हो जाएगा, तब उनका भी रायबरेली से अभी कोई आया नहीं ले जाने के लिए, कोई इसे टोचिंग किया जाएगा, टोचिंग करने के बाद इस स्कॉर्पियो को ले जाया जाएगा। तो जो लोग अभी हमारी वीडियो को सेंड अभी तक देख रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेंड करें, क्योंकि जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर, हम समय रमना में हैं, तो प्राथमिक विद्यालय रमना में है, तो वहाँ की सरकारी मैडम है जो टीचर है, उनकी स्कॉर्पियो आती है, वो अपनी ड्राइवर के साथ आती हैं, तो उसकी चाबी कल वो यहीं पे चौराहे पे आए थे तो उनकी चाबी गुम हो गई थी, पता नहीं कैसे गुम हो गई है, कभी मतलब क्लियर नहीं हुआ कि चाबी गिर गई है या इन्होंने खो दिया है कि या चोरी हो गई है, अभी किसी तरह की स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। तो जो लोग अभी चाबी के बारे में जानकारी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, नहीं गाड़ी को काफ़ी नुकसान हो सकता है, यहाँ से खींचने में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, क्योंकि चाबी तो यहाँ तुरंत बनेगी नहीं, अगर तुरंत बनेगी नहीं तो ये रायबरेली जाएगी, अभी खींचने के लिए कोई साधन आएगा, इसे फिर वहाँ ले जाया जाएगा, वहाँ से चाबी फिर बनेगी चाबी, तो फिर काफ़ी मशक्क़त करना पड़ सकता है इस स्कॉर्पियो को। तो ड्राइवर भी काफ़ी परेशान है, कल से परेशान है, कल कुछ लोग आए भी थे, पुलिसकर्मी भी आए थे यहाँ चाबी ढूंढने के लिए, तो काफ़ी मशक्क़त की है, मगर अभी चाबी के बारे में कुछ पता नहीं चला है अभी तक। तो जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि चाबी के बारे में जो भी है तो सभी लोग एक बार हमारी शॉप पर आकर संपर्क कर सकते हैं चाबी के लिए, हम बताएं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी नज़दीकी लोग हैं हमारे, तो सभी लोग हमसे जुड़े हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि जो चाबी के बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है तो हमसे शेयर कर सकता है। और सभी लोगों को, दर्शकों को हमारी लाइव स्ट्रीम में स्वागत है, कैसी लगी हमारी लाइव स्ट्रीम एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी भाई का अभी तक कमेंट नहीं आया, कमेंट ना आने का कारण हम पूछ सकते हैं सभी लोगों से, भाई साहब कमेंट ना आने का कारण क्या पूछ सकते हैं हम? सभी लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करें किस कारण से आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। लाइक का टारगेट कम से कम 50 था, मगर अभी तो 1 लाइक हुआ है, भाई क्या बात है, लाइक का कारण कुछ जान सकते हैं? लाइक भी नहीं आया अभी, कमेंट भी नहीं आया, कमेंट करने में आप लोगों को दिक्कत हुई हो तो हमें क्षमा चाहते हैं किसकी वजह से कमेंट का, आपका कमेंट आ नहीं रहा हमारी लाइव स्ट्रीम में, तो लाइव स्ट्रीम में का कमेंट नहीं आ रहा तो सभी लोग को निवेदन है सभी लोग लाइव स्ट्रीम को कमेंट करें। हाय फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। इस समय तो शादी सीजन चल रहा है, किसके किसके यहाँ शादी है, कौन कौन आज शादियों में जा रहा है, किसकी किसकी पार्टी है आज, तो हमारी भी एक इनविटेशन कार्ड मिल चुका है, हम भी आज शाम को निकलेंगे 7 बजे यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हमारे पास तो साधन तो है नहीं, यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से तो जिस तरफ से बारात आएगी उसी तरफ से बाइक को रोक लेंगे, चरपहिए में बैठ लेंगे, सीधा रवाना हो जाएंगे बारात की ओर। तो सभी लोग से, जिन लोगों को आज शादी में जाना है सभी लोग कमेंट करेंगे, जिस शादी में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ भी लाइव स्ट्रीम हो सकती है, आप लोग शाम को आना ना भूलें, क्योंकि शाम को रात में 8 बजे लाइव स्ट्रीम या 9 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीम हम दोबारा कर सकते हैं। तो जो शादी का प्रोग्राम है आपको शादी के बारे में डिटेल से दिखाएंगे, शाम तक हो सकता है कल वीडियो भी अपलोड की जा सकती है, कल वीडियो भी अपलोड की जा सकती है। तो जिन लोगों को अभी तक हमारी वीडियो अच्छी लगी, सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, सभी को धन्यवाद, वेरी वेरी नाइस। सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम शॉप पर बैठे हैं अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें हमें, आज कम से कम 1700 सब्सक्राइबर ज़रूर पूरा करा सकते हैं हमें, कि 2000 इसी महीने के अंदर 2000 हमको सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं भैया, तो इतना तो मेहरबानी कर सकते हैं जो 202। तो काफ़ी लोगों का
सहयोग।